नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंकिता, ये आपको एक बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। प्रयागराज शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ में डॉक्टरों के खंडहर पड़े मकान में दरवाजों से टंगी मिली लाश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि प्रयागराज शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ कैंपस में कई मकान खंडहर पड़े हुए हैं, जिसमें से एक बिल्डिंग में शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे बदबू आने की सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य निरीक्षक को दी गई। मौके पर पहुंचे अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने जाकर देखा तो लाश दरवाजे की कुंडी पर गमछा से टंगी हुई थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक उपेंद्र प्रताप सिंह व उप निरीक्षक जग नारायण ने पहुंचकर मौका मुआयना करते हुए लाश को कब्जे में ले लिया तथा मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी 12 सही राम आर्य ने बताया कि अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज शंकरगढ़ से कोऑर्डिनेटर हेड विनय कुमार साहू की रिपोर्ट। यहाँ पर डॉक्टरों के रहने का स्थान बनाया गया, वहाँ पर एक सड़ी लाश मिली है। तो आप अधीक्षक हैं इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हमारा इस बारे में कहना ये है कि कोई डेड बॉडी वहाँ पर, हमको जो बदबू पता चला कि बदबू सी आ रही है, तो हमने वहाँ के कर्मचारियों से कहा कि यार ऐसी बदबू क्या आ रही है, तो वो लोग हमने कहा जाकर देखो क्या चीज़ है, नहीं उसको वो किया जाए। तो जब वो लोग देखने गए, ढूंढते ढूंढते बदबू सुनते सुनते गए, तो ऊपर अंदर उधर कोई रहता नहीं, कंडम क्वार्टर है वो, तो उधर कोई रहता नहीं है। तो वहाँ जब जाकर देखा तो आगे बताया कि सर वहाँ कोई डेड बॉडी एक टंगी हुई है, तो उसकी सूचना हम तुरंत एसओ साहब को दी। नहीं, यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं नियुक्त है? कोई चौकीदार नहीं है सर, जो चौकीदार था कभी रिटायर हो गया, तब से कोई चौकीदार की पोस्ट नहीं है। अच्छा, उस बिल्डिंग की रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी? बिल्डिंग की रखरखाव की जिम्मेदारी तो रखरखाव की जिम्मेदारी चौकीदार की होती है, कि सुरक्षा पूरा अस्पताल की जिम्मेदारी चौकीदार की है, तो कोई है ही नहीं चौकीदार। नहीं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो बिल्डिंग, मान लीजिए कंडम आप कह रहे हैं कंडम है वहाँ रखने, तो साफ सफाई के जो कर्मचारी यहाँ रखे गए कभी साफ सफाई नहीं करते उसमें? जो कंडम क्वार्टर हो गए वहाँ कोई रहता नहीं है, तो जो गंदगी तो बनी ही रहेगी। जी जी, जो कोई रहता नहीं वहाँ पर। तो आपको जानकारी कौन दी है कि वहाँ पर? 102 का एक राजू करके लड़का, 102 वाला, वो बताया हमको। अच्छा, वो लोग भी वहाँ नीचे सब रेजिडेंट में रहते हैं, बीवी में रहता है हमारे, और गाड़ी जो चलती है उसकी गाड़ी वाले लोग रहते हैं, बगल में भी जो है वो 102 वाला कर्मचारी रहता है हमारे, फार्मासिस्ट त्रिभुवन जी रहते हैं उसी जिस फ्लोर में मिली उसके अपोजिट फ्लोर में ये लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं वो परमानेंट यहाँ पर जिनको आवास बनाए गए रह रहे हैं? डॉक्टर जो दो डॉक्टर ही आवास थे कभी कंडम में, वो हम जिसे हमारा एक क्वार्टर, हम टाइट लेबर फोर क्वार्टर में थे, कंडम क्वार्टर में दो कमरे क्वार्टर में रह रहे हैं। इस तरह डॉक्टर संजय सिंह भी डॉक्टर कमरे क्वार्टर में रहे हैं, और डॉक्टर जो है बाकी क्वार्टर नहीं कहीं, सब ऐसे लेबर थर्ड फ्लोर के क्वार्टर हैं जिनमें वो रह रहे हैं, डॉक्टर क्वार्टर सब कंडम में रखे हैं। चलिए, 15 मिनट पहले ही हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, हम लोग आए हैं और डेड बॉडी बाहर निकाली जा रही है। उसके बाद डेड बॉडी बाहर निकाल कर ही बताया जाएगा कि क्या सत्यता है। अगर जो है वैसे जो जगह का स्थान है उसमें डेड बॉडी का ये लग रहा है कि वो मार के ही रखा गया है, वहाँ टांगा गया है, और बाकी तो सत्यता पीएम के बाद जानकारी मिलेगी, क्योंकि गंदा रही है, काफ़ी पुरानी लाश है और उसके बाद कीड़े भी उसमें पड़ रहे हैं, तो पीएम के बाद ही सत्यता जान पाएंगे। वैसे संदिग्धता यही है कि वो मार कर ही टांगी गई है। सर, ये बताइए वो डेड बॉडी जैसे बदबू कर रही है तो देख के क्या लगता है, पुरानी लाश है या? पुरानी लाश है, वो 8-10 दिन पुरानी लाश लग रही है। आइए ले चलते हैं आपको प्रयागराज के शंकरगढ़ की ओर, जहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ में लाश मिलने से हड़कंप मचा रहा। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी 12 से 12 ने बताया कि लाश की कोई शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, लोगों को कहना है